मैं आज आपसे दो शब्दों के बारे में बात करने वाला हूं। पहला शब्द है कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता, और दूसरा शब्द है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। और देखिए कि कैसे ये दो शब्द, दो वर्ड्स हैं कहने को केवल, लेकिन ये हमारी लाइफ पे कितना बड़ा डिफरेंस डालते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं कहानी शुरू करता हूं अपनी भांजी से। जब वो छोटी सी थी तब मैंने उसे देखा और उसने जस्ट अभी घुटनों पे चलना सीखा था। जब वो घुटनों पे चलती थी तो उसे सीढ़ी चढ़ने का बहुत शौक था और हम लोगों को डर लगता था कि अगर ये सीढ़ी चढ़ेगी तो कहीं गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए। हम उसे बहुत रोकने की कोशिश करते थे लेकिन बार 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 वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करती रहती। हम उसे क्यों रोक रहे थे? क्योंकि हमें पता था कि उसकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है सीढ़ी चढ़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं इस छोटे से बच्चे के, जो अभी एक साल के आसपास का रहा होगा, उसके दिमाग में कैपेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था। उसको हम सब लोग सीढ़ी चढ़ते हुए दिख रहे थे, तो उसके दिमाग में जो थी बात वो ये थी कि सीढ़ी चढ़ना पॉसिबल है। और वो कोशिश करती रही करती रही करती रही, गिरी भी, चोट भी लगी, लेकिन वो कोशिश करती रही जब तक कि उसने सीढ़ी चढ़ना सीख नहीं लिया। देखिए यही कहानी हमारे साथ भी है। हम लोगों को ना कई बार अपनी कैपेबिलिटी के बारे में गलत अंदाजा होता है और हमारी कैपेबिलिटी एक्चुअली हमारी लिमिटेशन बन जाती है। हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, जबकि हमें सोचना चाहिए क्या ये काम पॉसिबल है, क्या कोई भी और जना ऐसा है जो ये काम कर पाया है, और नहीं भी कर पाया तो भी कोई फर्क नहीं है, वी वुड बी द फर्स्ट टू डू इट। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो लोगों ने पहली बार करी। प्रॉब्लम क्या है, ये जो कैपेबिलिटी वर्ड है ना, क्षमता वर्ड है ना, इसने हमारी इमेजिनेशन को, जो वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, उनको लिमिट कर दिया है, संभावनाएं खत्म कर दी हैं क्षमता ने। आपको लगता है मैं ये कर सकता हूं, आप वो काम कर लेते हैं। आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता, आप वो काम नहीं करते। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतनी छोटी सी बात है। इमेजिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इमेजिनेशन। इमेजिन द पॉसिबिलिटी, ये काम हो सकता है, और उसके बाद क्षमता, कैपेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जब आप उसे इमेजिन कर पाएंगे, जब आप उसे एक्चुअली विजुअलाइज कर पाएंगे, तो आप उसे करने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। देखिए आज इतनी सारी चीज़ें हैं हमें जो दिख रही हैं आसपास, जो टेक्नोलॉजी है, एक समय में वो कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल थी, और लोग अपने आप को कैपेबल नहीं समझते थे वो अचीवमेंट्स के, जो लोगों ने बाद में किए। इमेजिनेशन से बनाइए पॉसिबिलिटी, और जब पॉसिबिलिटी आपको दिखने लगेगी तब डेवलप कीजिए कैपेबिलिटी, और आप देखेंगे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। सो डू नॉट से दैट आई एम नॉट कैपेबल, डू नॉट इवन से इट इज नॉट पॉसिबल। डेयर टू इमेजिन, डेयर टू इमेजिन द पॉसिबिलिटी एंड देन डेवलप कैपेबिलिटी एंड अचीव इट। पहले सोचिए कि ये संभव है, और जब आप सोच लेंगे कि ये संभव है तो आप क्षमता भी अपने आप बना लेंगे उस संभावना को पूरा करने। डू नॉट बी लिमिटेड बाय कैपेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज, एक्सपैंड द पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बढ़ाइए अपने इमेजिनेशन से, और उसको क्षमता से, कैपेबिलिटी से पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।